नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भीम टीवी में। मैं हूं योगेश थस्पारा। तो आज क्या रहा देश दुनिया में, सब कुछ बताएंगे आपको सिर्फ चंद मिनटों में। जुड़े रहिए जय भीम टीवी के साथ। बाजार खोलने को लेकर मेरठ के व्यापारियों का धरना। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते 60 दिन से ज्यादा बंद पड़े बाजार खोलकर दुकानों की साफ सफाई के लिए व्यापारी लगातार मेरठ जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों को सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जिससे नाराज व्यापारियों ने मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि संयुक्त व्यापार संघ के 4 पदाधिकारी रोज जिलाधिकारी कार्यालय पर 5 घंटे का धरना देंगे। अगर जल्द ही बाजार खोलकर दुकानों की सफाई करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी तो व्यापारी जबरदस्ती दुकान खोल लेंगे। संयुक्त व्यापार संघ से जुड़े ज्यादातर व्यापारी बीजेपी के नेता हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही अब वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश के अंदर 22 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसके चलते संपूर्ण प्रदेश और देश के बाजार बंद हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इन बाजारों को खोलने की अनुमति मिल गई है। तो वहीं मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने भी प्रशासन से बाजारों को थानावाइज खोलकर दुकानों की सफाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि मेरठ में ज्यादातर व्यापारी अलग अलग व्यापार संगठन से हैं, लेकिन अब यहां के व्यापारियों की अपनी संस्था बन चुकी है। अब यहां व्यापारी अलग अलग संगठनों से ही लगातार जिला प्रशासन से बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। 60 दिनों में हमारी दुकानों के अंदर सामान कितना खराब हुआ है। निश्चित रूप से हलवाई की और बेकरी की दुकान में कीड़े चल रहे होंगे। जब दुकानों का शटर उठेगा तो बदबू आएगी। हम जिला प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से कि हमें हमारी दुकानें खोलकर सफाई करने का अवसर दिया जाए, और जिला प्रशासन बार बार हमें बुलाता है, बात करता है कि हाँ बैठेंगे और आपकी समस्या का इसका निदान करेंगे। सब मांग कर रहे हैं, जो भी मांग कर रहे हैं सब वो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। लोगों को अपने अपने कुछ लोग देखिए, हम जो हमारा संयुक्त व्यापार संघ है, हम निर्वाचित लोग हैं, कुछ लोग स्वयंभू घोषित हैं। सीएम साहब को कि भाई कुछ वकीलों को जो पीड़ित हैं, शोषित हैं और आर्थिक रूप से तंग हैं, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने की अनुमति दी जाए। तो आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे, सब्जी का ठेला और फलों का ठेला अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे लगाने के लिए हमने लिखित में आवेदन किया हुआ, उसके लिए हम लोग आए थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर बने, तो इसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनने का एक प्रार्थना पत्र लेकर आएँ। बाकी तो मेरठ प्रशासन का तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत तो यहाँ के लोगों में रही नहीं है। भैया, एक तो हमारी दुकानें जो हैं 2.5 महीने से बंद हैं, 3 महीने से। एक अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा है कि वो दुकानें खोलने का पहले समय दिया जाए सफाई का, उसके बाद 1 जून से जो खोल रहे हैं एकदम खोलेंगे तो उसमें बदबू और गंदगी बहुत ज़्यादा होगी। एक भैया हमारे खर्चे जो हैं, बिजली के बिल हैं वो भी आ गए, इनकम टैक्स है, रिटर्न है, जो गवर्नमेंट का काम तो चालू हो गया लेने का वसूली, लेकिन हमारे व्यापार बंद पड़े, हम कहाँ से। 2 महीने से हमारी दुकानें नहीं खुल रही हैं, स्कूलों की फीस, इनकम टैक्स के नोटिस, बैंकों की LI किस्त, उनसे हम परेशान हैं। जब हमारे व्यापार नहीं खुल रहे तो हम कहाँ से दें। रोज़ रोज़ हमें प्रशासन ये आश्वासन देता है कि कल बैठ कर मीटिंग करेंगे, परसों बैठ कर मीटिंग करेंगे, रोज़ हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए हम धरने पर गए। 2 महीने से ऊपर हो गए, 2.5 महीने के करीब है। व्यापारी सब एक तरह से पूरी दुकान सब चीज़ सब बंद है, वो पढ़ाई की ओर बार बार मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आप स्कूल की फ़ीस जमा कराइए। आप व्यापारी पे या किसी पे भी, पेट भरने के लिए तो पैसा है नहीं है, वो स्कूलों की फीस कैसे जमा करें। व्यापारियों की इस मांग पर शासन प्रशासन पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय भीम टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।